हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय आवर चैनल एटीपी स्टडी टाइम। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आज हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको कंपटीशन के लेवल में बहुत फ़ायदेमंद करेंगे। तो उसके लिए आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे बुक को परचेस कर लीजिए जो कि आप लोगों के नज़दीकी स्टोर में अवेलेबल होगा, आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। लूसेंट रेलवे रीजनिंग, इसमें हर तरह के कॉम्पिटिशन का दिया रहता क्वेश्चन। तो आज हम इसी चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसी का पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर लुप्त पदों को ज्ञात करना, ठीक है, या फाइंडिंग द मिसिंग वन, ठीक है। मिसिंग नंबर बहुत एग्जाम में गिरे हैं और बहुत बार गिरते हैं, तो इसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो और फायदे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभ्यास से मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक बॉक्स में दिया हुआ 5, ठीक है, 15, 5, 10, क्वेश्चन मार्क 6, 3, 2, 5, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन को बैठाकर हमको अरेंज करना है और इसके सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन देखो आया हुआ है RRB TC में, ठीक है, और CCC 2006 में। तो ये सब क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोग भी कॉम्पिटिशन का तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो आप अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊंगा, इस पर आपको क्वेश्चन और आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आज इसी को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इसको क्वेश्चन मैं पहले अपने कॉपी में उतार लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे क्लियर से दिखे और समझ में आए। तो मैंने ये कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि सीक्वेंस दिया हुआ है और इसे सोल्व करना है, तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो इसका एक नियम होता है कि या तो हम इसे जोड़कर, घटाकर, गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, किसी भी तरह करके सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, या तो ऐसे कंप्लीट हो, या तो ऐसे, या किसी तरह से भी हमको सीक्वेंस कंप्लीट करना हो, ठीक है, तभी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें इधर से अगर जाएंगे तो ये कम हो रहा है, इधर से कम हो रहा है, बीच में बढ़ जा रहा है, ठीक है। इधर से अगर हम जाएंगे देखो ये कम बीच में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बीच की संख्या बढ़ रही है, ना कि किनारे की, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आसान से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 को लेंगे, ठीक है, 5 लिए, मल्टीप्लाई 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30, ठीक है, ये हो गया मेरा 30। तो इस तरह तो बन रहा है, एक सीक्वेंस तो मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला अप्लाई करके देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है इस तरह, ये कि नहीं। तो देखिए 5, 6 और 5 को गुना करते हैं, ठीक है, 5, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5, 6, 30 और 30, 5, 150, ठीक है, यहाँ भी 150 होता क्योंकि इसको 10 से गुना किया था, यहाँ भी हो गया आपका 150, मतलब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है मल्टीप्लाई करने का, मतलब ये भी कंप्लीट होगा इसी सीक्वेंस में। तो चलिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए 15 दिया हुआ, यहाँ ये दिया हुआ 2, तो 15 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। अब 30 के साथ कौन सी नंबर को मैं गुना करूँगा, अगर 150 आ जाएगा तो देखिए अगर 5 को गुना करेंगे तब 150 आएगा, और कोई नंबर गुना करेंगे तो 150 नहीं आएगा। देखो ये तीनों सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या हमारा आएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आपका बॉक्स में इसी तरह धन बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स में बना हुआ है और इस बॉक्स में देखिए एक मिनट, हाँ मुझे लगा वीडियो रुक गया क्या। देखिए ये बॉक्स में क्वेश्चन बना हुआ, देखिए 9 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, यहाँ से 6 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 45, 95 और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पर हमको खोजना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम जो आपको बताए थे कि पहले देख लीजिए बढ़ किधर से रहा था, अगर हम इधर से चेक करें तो देखिए 9, 12 और 8 इधर से तो नहीं बढ़ रहा, बीच में बढ़ रहा, ठीक है, इधर से चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये इधर से मतलब सीक्वेंस से बढ़ रहा है, देखो 9 के बाद 6, 6 के बाद 45, मतलब ये बढ़ा है, इधर से देखें 12, 7, 95 ये बढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, इधर से देख रहे तो मतलब ये सीक्वेंस में बढ़ा आएगा, मतलब ये रो इधर की ओर काम कर रहा है, मतलब इधर से कुछ ये एग्जामिनेशन ने किया है, ठीक है, या तो जोड़ा या तो घटाया या तो कुछ किया होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 9 चलिए मानते हैं 9 का स्क्वायर लेते हैं और माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और जब ये दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 45, ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस पर ये काम कर रहा है। सेकंड वाला अप्लाई करके देखते हैं क्या ये 95 आएगा इस सीक्वेंस पे, तो देखिए
12 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और जब ये आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा 95। मतलब हाँ, यही सीक्वेंस में ये लिए हैं, तो ठीक है, तो मैं भी इसको इसी सीक्वेंस में डालूंगा ताकि ये कंप्लीट हो सके। तो देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का स्क्वायर 9। जब ये मैं आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे आंसर 55। तो देखिए ये आंसर आ गया ना। अब आप लोग सोचिएगा कितना जल्दी मैं कैसे कंप्लीट कर लिया, तो ये मैं कर चुका हूँ बहुत बार, इसलिए मुझे पता है कि कौन सीक्वेंस कैसे जाती है और किस कौन सा मेथड लगेगा। तो इसी को आप लोगों को भी मेथड करना पड़ेगा और रिवाइज करना होगा ताकि आप लोगों को भी टाइम ना लगे। अगर आप फर्स्ट बार अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ या बुक में। देखिए बुक में ऑप्शन दिया हुआ कितना, ए में दिया हुआ आपका दिया हुआ है 13, बी में दिया हुआ 15, और सी में दिया हुआ 10, और डी में दिया हुआ 12, ठीक है। देखिए बुक मेरे पास है, ये बुक आप लोगों को मिल सकता है मार्केट में, आप वो बुक से देख लीजिए, हमें इसी बुक से आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए, इसी को सॉल्व करके बताइएगा, और अगर आप लोग बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग में से कोई नहीं बता पाए तो ये इसी को मैं अगले क्लास में आपको सॉल्व करके बताऊँगा। थैंक यू।